आज हम चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट करेंगे। तो अभी चैप्टर 3 में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो इस चैप्टर में हम उसी से एक क्लोजली रिलेटेड टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ टर्म का मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स ये है कि ह्यूमन बॉडी के जितने भी जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी कंडीशन में हो और उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग हो। और अगर ब्रॉडर स्केल पर इसकी बात करते हैं तो फिर उसके अंदर इसके अलावा इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि कोई भी पर्सन फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली फिट होना चाहिए, और ऐसी सोसाइटी जिसमें इस तरह के पर्संस रहते हों जो फिजिकली फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रखते हों और जिनका इमोशनल और बिहेवियर वाइज जिनका इंटरेक्शन आपस में अच्छा हो, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट से के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इस तरह की जो सोसाइटी होती है वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी कहलाती है। तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरीके से, किन मेथड्स का यूज़ करके हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव कर सकते हैं, इस चैप्टर में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में उसका नाम ऐसे पहले कंट्रीज में आता है जिन्होंने इस तरह के प्लान्स और प्रोग्राम्स की शुरुआत की थी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड थे। मतलब उनका सोशल गोल ये था कि एक वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी मेंटेन कर सके। तो इस तरह के प्रोग्राम्स को शुरू में 1951 के आसपास जब इनकी शुरुआत हुई थी तो इनको फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स कहा जाता था, और बीच में टाइम टाइम पर फिर इनके अंदर काफ़ी चेंजेस भी आए और उसके बजाय बहुत सारे इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स भी फिर इसके अंदर ऐड हो गए। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम की शुरुआत हुई जो क्या करता है, ये किन किन चीज़ों के साथ डील करता है, ये लोगों को के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करता है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी मैटर होते हैं उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, और जिससे कि जो हेल्दी सोसाइटी डेवलप हो सके। तो ये रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स का मेन एम यही होता है। और अब इसके लिए क्या किया जा सकता है लोगों को अवेयर करने के लिए कि भाई वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स के लिए अवेयर हों, तो इसके लिए गवर्नमेंट एजेंसीज़ या नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज़ बहुत सारे मेथड्स का यूज़ करती है, जिसमें वो ऑडियो विजुअल मेथड्स भी होते हैं या प्रिंट मीडिया भी कभी वो यूज़ करते हैं। पेरेंट्स और या दूसरे क्लोज रिलेटिव्स हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनका भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी पर्सन की लाइफ में कि वो इस फील्ड से रिलेटेड, इस मैटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को उनको शेयर करें उनके साथ। तो स्कूल्स में भी आजकल सेक्स एजुकेशन शुरू किया गया है जिससे कि बच्चों को या जो भी हमारे यूथ हैं, यंग पीपल हैं, उनको राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके और उनके अंदर जो मिथ्स या मिसकंसेप्शंस सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट से रिलेटेड हैं वो दूर हो सके। इसका जो मेन एम है वो ये है कि बच्चों को या जो भी हमारा यूथ है उसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, या बच्चों में एडोलसेंस के टाइम पर जो टीनेजर्स होते हैं तो उनके अंदर किस तरह के चेंजेस आते हैं, इसके अलावा सेफ और हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बताया जाता है, उसके बारे में एजुकेशन दी जाती है, उनको अवेयर किया जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में जैसे कि एड्स वगैरह। तो इससे
जो एडोलसेंट एज के जो लोग होते हैं उनको हेल्प मिलती है कि वो एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी क्रिएट कर सकें। इसका मेन एम है लोगों को एजुकेट करना, स्पेशली जो फर्टाइल कपल्स होते हैं या जिनकी मैरिजेबल एज है उनको बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में बताना, या प्रेग्नेंट लेडी जो है उसकी देखभाल करना, या डिलीवरी के बाद पोस्टनेटल केयर मदर की भी और चाइल्ड की भी, इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, उनको ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस बताना, या फिर एक हेल्दी सोसाइटी के लिए ये भी एक मेन बात है कि लोगों को ये बताया जाए कि मेल और फीमेल चाइल्ड जो हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी हमें देनी चाहिए। तो अगर हम ये सब बातें लोगों को बताएंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि हेल्दी सोसाइटी या रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी तभी बन सकती है जब लोग जो अपनी फैमिली का साइज़ है वो छोटा रखें, डिज़ायरेबल रखें, तो इस तरह की लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि भाई अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई तो उससे अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, या जो सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हैं, अब्यूज़ है, सेक्स अब्यूज़ है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, जिससे कि वो क्या कर सकें, इन सब चीज़ों से बच सकें और एक सोशली रिस्पॉन्सिबल और हेल्दी सोसाइटी जनरेट कर सकें। एक्शन प्लान्स तो बहुत बना लिए जाते हैं लेकिन उसके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, और इसके लिए सिर्फ प्लान्स बनाने से सक्सेस नहीं मिलेगी, हमारे को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह होनी चाहिए अगर हमें अच्छे हॉस्पिटल्स बनाने हैं, साथ साथ प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज भी होनी चाहिए। प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज का मतलब कि ट्रेंड डॉक्टर्स, नर्सिस, ये सब हमें होना चाहिए, और उसके साथ साथ सिर्फ बिल्डिंग बनाने से बात नहीं बन सकती, डॉक्टर नर्सिस से बात नहीं बन सकती, उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, बाकी का मटेरियल सपोर्ट भी चाहिए। और ये सब चीज़ें हैं, ये सब फैसिलिटीज़ हैं जो लोगों को मिलनी चाहिए कि उनको रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, मान लो किसी को डिलीवरी करवानी है या प्रेगनेंसी के टाइम पर केयर की देख ज़रूरत है, या एसटीडीज से रिलेटेड लोगों को अपना इलाज करवाना है, या अबॉर्शन के टाइम पर एक फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, या कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स हैं, या किसी को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, तो इस सभी से रिलेटेड क्या होने चाहिए, फैसिलिटीज़ या मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहिए। और टाइम टाइम पर ये जो भी हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उसकी टेक्निक्स को और बेटर करना चाहिए, तभी क्या कर सकेंगे, हम लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से असिस्ट कर सकेंगे, उनकी हेल्प कर सकेंगे। और पूरी तरीके से बैन लगा देना चाहिए अमीनोसेंटेसिस पर, ये लग भी गया है अब तो। ये अमीनोसेंटेसिस क्या है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो डेवलपिंग फीटस होता है उसके चारों तरफ, या डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है उसके चारों तरफ जो फीटल मेम्ब्रेन्स होती हैं, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स जो होती हैं, उन मेम्ब्रेन्स के अंदर फ्लूड भरा होता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूड। तो इस पहले के टाइम पर क्या किया जाता था कि इस एमनियोटिक फ्लूड को सिरिंज की हेल्प से लेकर और फिर उसका क्रोमोसोमल पैटर्न चेक कर लिया जाता था, तो उससे ये पता चल जाता था कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में बॉय है या गर्ल है। तो लोग इससे क्या करते थे कि अगर ये पता चल जाता था कि फीमेल फीटस है तो उसको अबॉर्ट कर देते थे, तो इसीलिए इस पर पूरी तरह से बैन कर दिया गया, और जिससे कि क्या हो सके कि एक हेल्दी सोसाइटी बन सके, मेल फीमेल सेक्स रेशो मेंटेन रहे।
इसके अलावा रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स का एक और एम है मासिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बर्थ के बाद लगभग कुछ सालों तक क्या लगाए जाते हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं कि पोलियो ड्रॉप भी इसी का एक पार्ट है। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एरियाज़ में रिसर्च हो रही है और जिससे कि इसको एनकरेज करने का काम कौन कर रही हैं, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज कर रही हैं। और इस रिसर्च का मेन एम ये है कि जो भी मेथड्स अभी हम यूज़ कर रहे हैं उससे और इम्प्रूव्ड मेथड कौन से हो सकते हैं जिससे कि हम लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। आपने सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो फीमेल यूज़ करती हैं, इसको डेवलप किया गया था सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के साइंटिस्ट ने किया था। तो ये क्या है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। तो लोगों को के अंदर बेटर अवेयरनेस होने चाहिए सेक्स रिलेटेड मैटर्स के लिए। और पहले टाइम में जो डिलीवरीज होती थी वो घर पे करवाई जाती थी, तो अब इसका जो नंबर है इंक्रीज हो गया है कि लोग असिस्टेड डिलीवरीज हॉस्पिटल्स वगैरह में करवाते हैं, जिससे कि पोस्टनेटल केयर जो है वो अच्छी तरह से मिल सके। और ऐसा होने की वजह से जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ये क्या होता है कि डिलीवरी के टाइम पर मदर की डेथ हो जाती थी या छोटे बच्चे जो हैं वो पैदा होते ही जिनकी डेथ हो जाती थी, तो वो उनकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो गया है। और अब ऐसे कपल्स की जो नंबर है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया है जो छोटी फैमिलीज़ को, स्मॉल फैमिलीज़ को पसंद करते हैं। और रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स का मेन एम ये भी है कि वो एसटीडीज़ के बारे में लोगों को ज़्यादा अवेयर करें, जिससे कि टाइमली उनका डिटेक्शन हो सके और उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ उन लोगों को मिल सके जो भी सेक्स रिलेटेड प्रोग्राम प्रॉब्लम्स हैं उनकी। तो अगर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स अपने एम में सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, एक हेल्दी सोसाइटी बना सकते हैं।